जब तक आपको विश्वास नहीं आता है तब तक आप मैरिज के लिए तैयार नहीं हो। लड़के लड़कियों का एक जो चीज़ है कि लड़का हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, उसकी ग्रोथ की चाहत होनी चाहिए और उसके एम्बिशन होने चाहिए ज़्यादा पैसे कमाने के, और लड़की में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती है, कितनी ज़्यादा सेवाभावी है और कितना ज़्यादा लड़के को समझती है। और ग्रोथ और प्यार, ये दो का अगर सही बैलेंस होता है तो रिलेशनशिप में डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आदमी छोड़ के नहीं जाएगा। और लड़कियों को तो विश्वास होना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा इसको कोई प्यार कर नहीं सकता। जब तक आपको विश्वास नहीं आता है तब तक आप मैरिज के लिए तैयार नहीं हो। और आपको भी जो भी ठीक लगे, जो भी एडुकेशन ठीक लगे, आपको एडुकेशन लेना चाहिए मैरिज के बारे में, सेक्स के बारे में, लव के बारे में, ब्रेकअप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और लड़का भी, लड़कों को भी लगना चाहिए कि मेरे से अच्छा इसको लड़का मिलेगा भी। इसमें मैंने कई लोगों को देखा है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। अभी जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नज़दीक आते हैं लव मेकिंग के प्रोसेस में, दोनों की बॉडी नज़दीक आती है और दो में से एक में अगर स्मेल आती है तो तुमको लगता है रिलेशन लंबा चलने वाला है। तो बॉडी ऑर्डर का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्मेल नहीं आनी चाहिए आपकी बॉडी में, क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से क्राइटेरिया है डिसाइड करने के लिए। और जब पहली बार बुखार, प्यार का बुखार आता है, उससे में आदमी कुछ देखता नहीं है। हो सकता है पहली लड़की मिली हो लड़के को, और लड़की को हो सकता है पहला लड़का मिला है। तो एक तो जो इसका मतलब स्कैरसिटी थी और पहला लड़का मिला, पहले लड़की मिली, तो आदमी उसमें बहुत मजा करना चाहता है। मगर धीरे धीरे एक दूसरे की गलतियां समझ आती है और लगता है कि ये मैरिज के लायक नहीं है। फिर भी दोस्ती चाहिए क्योंकि कुछ तो मिल रहा है, टाइम स्पेंड अच्छा हो रहा है, सेक्स मिल रहा है, शेयरिंग हो रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। मगर नॉर्मली लोग एक साल तक डिसाइड कर लेते हैं कि ये लड़का ये लड़की शादी के लायक नहीं है। 90% लड़कियाँ तो बहुत मैच्योर रहती है और लड़का कैसे भी हो उसको संभालना आता है, उसमें सहन शक्ति इतनी रहती है, मगर लड़के इतने मैच्योर नहीं रहते हैं। 90% लड़के मैच्योर रहते हैं कि लड़की की कोई भी कमियों को वो नज़रअंदाज करके शादी के बारे में सोचे कि इससे मैं शादी करके खुश रह सकता हूँ। लड़के बेसिकली इमैच्योर रहते हैं। 99% प्यार में कुछ कमी रहती है, प्यार में कुछ खोट रहता है, या डाउट हो सकता है, या फियर हो सकता है, या एंगर हो सकता है, या आर्गुमेंट का नेचर हो सकता है। और तभी ये सब इनसिक्योरिटी आती है कि दूसरा आदमी जल्दी शादी कर लो तो दूसरा आदमी शायद दूसरा ऑप्शन देख लेगा। अपने प्यार की प्योरिटी बढ़ाओ। मैं तो मेरी लाइफ शेयर करता हूँ, मेरा प्यार 7 साल चला, और 7 साल तक न मेरे को ख्याल आया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और पे जा सकती है, न मेरी गर्लफ्रेंड को ख्याल आया कि कैलाश किसी और से शादी कर सकता है। और मेरी गर्लफ्रेंड तो ओपनली बोलती थी अपने माँ बाप को, अगर कैलाश ने किसी और से शादी कर भी ली तो भी मैं किससे भी शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसी रहूँगी। अभी कोई लड़की ऐसा बोले कि आपको फ्रीडम है, आपको मेरे से अच्छी मिलती है तो आप कर लो, मगर मैं आपके अलावा भी किससे भी शादी नहीं करूँगी, आपको क्या लगता है ऐसा लड़का या लड़की शादी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा।